भाइयों बहनों, अगर भारत के हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करना है, स्वस्थ समाज का निर्माण करना है, तो हमें होलिस्टिक सोच के साथ काम करना होगा। पारंपरिक और आधुनिक इलाज की साझा ताकत को मजबूत करना होगा। आयुष और मॉडर्न हेल्थ केयर का एक साथ एक बराबर विकास होगा, तभी बेहतर स्वास्थ्य समाधान हम तैयार कर पाएंगे। साथियों, आयुष्मान भारत योजना इसी सोच का परिणाम है। इसमें प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए हेल्थ और वेलनेस सेंटर खोले जा रहे हैं और दूसरी तरफ गंभीर बीमारी के मुफ्त इलाज के लिए पीएम जन आरोग्य योजना चलाई जा रही है, पीएम जय। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रिवेंटिव और अफोर्डेबल हेल्थ केयर का एक अनूठा और अभूतपूर्व मॉडल है। इन सेंटर्स में प्रिवेंशन के भी उपाय हैं और क्योर की भी व्यवस्था है। साथियों, जब हम देश में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोल रहे हैं, तो आयुष को भी हमने हमारा को ट्रैवलर बनाया है, साथी बनाया है, हम उसको भूले नहीं हैं। देश भर में 12,500 आयुष सेंटर बनाने का भी लक्ष्य है, जिसमें से आज 10 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का उद्घाटन जो कि हरियाणा के लिए किया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंस से करने का मुझे मौका मिला और वहां भी बहुत बड़ी तादाद में हरियाणा के उत्साही लोग मुझे नजर आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ऐसे 4,000 आयुष सेंटर 12,500 में से 4,000 इसी वर्ष हम कर देना चाहते हैं। एक तिहाई काम इसी वर्ष करने का इरादा है और 12,000 का मतलब होता है कि करीब करीब हर ब्लॉक में एक बन जाएगा। जहां तक अफोर्डेबिलिटी की बात है, तो आयुष्मान भारत ने गरीब से गरीब व्यक्ति को बेहतर स्वास्थ्य का विश्वास दिया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत जितने मरीजों को अब तक मुफ्त इलाज मिला है, वो अगर इसके दायरे में न होते तो उन्हें, देखिए आयुष्मान भारत योजना ने कैसा कमाल किया है, और अभी तो समय ज्यादा नहीं हुआ है जी, जिन लोगों ने आयुष्मान भारत योजना का लाभ लिया, अगर ये योजना न होती और उनको इसी प्रकार की मुसीबत से निकलने के लिए ट्रीटमेंट लेनी पड़ती, तो हमारे देश के इन गरीब परिवारों के 12,000 करोड़ रुपए का खर्च हुआ होता। 12,000 करोड़ रुपए, एक प्रकार से देश के लाखों गरीब परिवारों के 12,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। और हमारे देश में पता नहीं माहौल ऐसा है कि अगर आज मोदी ने 12,000 करोड़ की कोई योजना गरीबों के लिए घोषित कर दे, तो अखबारों में कल हेडलाइन छप जाएगी कि मोदी ने 12,000 करोड़ रुपया। इस सहज व्यवस्था से 12,000 रुपया करोड़ रुपया बच जाए, गरीब बीमारी से बाहर आ जाए, परिवार में गरीबी से लड़ने की ताकत आ जाए, उस तरफ किसी का ध्यान जाता नहीं है। जब मूलभूत परिवर्तन होते हैं, वो तुरंत न उसकी कोई ग्लैमर होती है, न कोई बड़ी तामझाम होता है, और न ही तुरंत उसकी वाहवाही होती है, इसलिए नजर नहीं आता है। लेकिन कितना बड़ा परिणाम आता है, ये इस प्रयास से नजर आएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब आयुष्मान भारत जैसी योजना नहीं थी,
तब गरीबों को इलाज के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, इलाज का खर्च उन्हें और गरीब बना देता था।